ऑफ इंडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुरुवार को नुहू बैंक ऑफ इंडिया के उपभोक्ताओं ने बैंक मैनेजर को बदलने की मांग करते हुए बैंक मैनेजर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीते काफी दिनों से बैंक में उनके कार्य को समय पर नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर दैनिक लेन देन के कार्यों को भी कई कई दिनों में किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने खातों को अपडेट कराने व KYC कराने के लिए भी 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसके चलते वह काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैंक की कार्यशैली के चलते उनके कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। समस्या यह है कि भाई साहब एक दिन में एक कागज को देते हैं और 5-10 दिन घुमाते हैं KYC के नाम पर, बंदे को काम नहीं करते हैं। नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड से खाली लिंक हो जाता है, पुराना खाता है 2014 का, और उसके नाम पर खाली घुमा रहे हैं कि हमें कि आज ये लाओ आज वो लाओ आज वो लाओ, और पैसे भी ले रहे हैं अंदर। किस चीज़ के पैसे ले जा रहे हैं? कि KYC के नाम पर, KYC के नाम पर पैसे ले जा रहे हैं। कितने रुपये? 1000 रुपये मांगते हैं। तो कितने दिन हो गए आपको चक्कर काटते हुए? मुझे 8-10 दिन हो गए घूमते घूमते, और मेरे जैसे हजारों आदमी है, 10,000 खाते हैं इस बैंक के अंदर, और एक दिन में 10 आदमियों का काम करते हैं, तो इससे एवरेज लगाओ कि 5-10 महीने चले जाएंगे। बता दें कि समय समय पर बैंक कर्मियों की लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को नुहू में बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ भी उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा। इस दौरान उपभोक्ताओं ने जमकर बैंक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते सिटी पुलिस थाना की टीम के जवानों ने आकर लोगों को शांत कराया। जिला प्रबंधक आलोक कुमार ने बताया कि इस बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर बैंक में उपभोक्ताओं की कार्य की अनदेखी की जा रही है तो निश्चित ही उचित कार्रवाई की जाएगी। नुहू से जुबैर खान की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।